हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 7 अगस्त 2022 और डे है आज संडे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ये पूछे जा चुके हैं। अभी 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो जीबीटी का हो, चाहे कोई भी, ठीक है, तो उसमें जो वो पूछे जा चुके हैं। कुछ एक मेरे पास जो वो स्क्रीनशॉट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2022 में जो वो किस टाइप के जो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, कभी जो आपको हिमाचल से रिलेटेड मिलने वाला है, कभी जो वो करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है, तो ऐसे जो बीच में से हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा यहाँ पे लिखा है हु हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने जो वो भाला फेंका था और स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, गोल्ड मेडल। तो ये तो आप सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा के बाद अगर कोई भारतीय ने जीता है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, तो वो जो वो नीरज चोपड़ा दूसरे हैं, ठीक है। तो इन्होंने शायद 89 या 88, मुझे याद है 88 मीटर के आसपास फेंका था। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसको भी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से जो वो रिलेटेड है। मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए नीरज चोपड़ा जो आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके बारे में जो वो क्या क्या पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन भी लिखा है यहाँ पे, यस यहाँ पे देखिए इनका जन्म हुआ था 1997 में, मतलब कि ये आज वो कितने ईयर के होंगे, 25 या 26 ईयर के जो वो हो सकते हैं, ठीक है, इसके आसपास। तो अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड एथलीट स्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर, इसको आप याद रख सकते हैं, 87.58, ठीक है, 87 याद रख लो। तो 2021 में जो वो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो वो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। और ये आपको मैंने बता दिया कि अभिनव बिंद्रा के बाद जो वो किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको सम्मानित किया है। अगर हम बात करें इनके व्यक्ति जीवन की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कहाँ से हैं, तो ये जो हरियाणा से हैं। हरियाणा में जो पानीपत नामक शहर, एक छोटे से गाँव खांद्रा, ठीक है। इनकी माता का नाम सरोज देवी है, गृहिणी है, और इनके पिता का नाम सतीश कुमार है, पेशे से किसान है, ठीक है। और 11 वर्ष की आयु में ही जो वो इनकी रुचि जो वो मतलब कि जैवलिन थ्रो में आ गई थी, जब पानीपत स्टेडियम में जय चौधरी को जो वो प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने देखा था, ठीक है। तो अगर और कुछ पूछा जाए, तो ये जो वो ग्रेजुएट है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने BBA कॉलेज ज्वाइन किया था, तो यहाँ से जो इनको ग्रेजुएट की डिग्री जो वो मिली है। अगर इनके कोच के बारे में डिस्कस करें, तो नीरज चोपड़ा के कोच का नाम है उवे, ठीक है, जो कि जर्मनी देश के पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद नीरज चोपड़ा इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पे आप जो इनके बारे में जो डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे लिखा है द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेन इन विच ऑफ द टेक्स्ट। तो ये जो वो कहाँ किस में मिलता है, ये जो वो हमें पूर्वास में जो वो मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एज। तो ये आप सभी को पता होगा कि द हेग में जो वो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारा। अगर हम जिनेवा की बात करें, तो जिनेवा में भी जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे जो वो हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा, वो जो हेग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इगा स्वीटेक, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चला हुआ था, तो मेरे ख्याल से तभी जो वो ये क्वेश्चन बना है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कीव जो वो यूक्रेन की जो वो कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो वो जाना जाता है भज्जूमल को, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो वो मेरे पास एक PDF है, जिसमें जो वो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर नेम और पर्सनैलिटी एंड प्लेसेस, तो इनके बारे में जो वो लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की जो वो यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो चलिए एक बार जो वो जल्दी से जो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सभी। हमारा जो क्वेश्चन है वो है पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी जो वो भज्जूमल को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी के बारे में अगर पहाड़ी नहीं लगा हो, तो खान अब्दुल गफर खान के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी के बारे में लिखा है, तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों के बारे में ही पूछेगा, ठीक है, तो भज्जूमल जो इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी गांधी एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता है, बाबा कांसीराम को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पहाड़ा द बुलबुल,
ठीक है, तो बाबा कांशीराम को ही जो वो कहा जाता है, कविराज वो पद्म देव को कहा जाता है, और यहाँ पे लिखा है सिंधी गांधी, ठीक है, तो एक आ जाता है कृष्णानंद स्वामी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, तो एक कहा जाता है यहाँ पे वाई एस परमार को, ठीक है। नेक्स्ट देखा है महर्षि किसको कहा जाता है, तो निकोलस रोरिच, ठीक है, जो आर्ट गैलरी आपको कुल्लू में मिलेगी नगर में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सरदार एल जुंग, ठीक है, तो ये जो कहा जाता है मेजर मेहरदास को, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है शेर ए हिंद, तो यहाँ पे लिखा है श्री हरि सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा सबको नहीं पढ़ेंगे, जो भी पूछे जा चुके हैं पहले, जैसे छोटी काशी मंडी आपको पता ही है सबसे, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाराणसी और हिमाचल मंडी को कहा जाता है, लिटिल तिब्बत छोटा तिब्बत जो वो लाहौल को कहा जाता है, मिनी लासा ये भी पूछा जा चुका है, धर्मशाला को कहा जाता है, लैंड ऑफ ग्रेप्स जो वो रिब्बा किन्नौर में, ठीक है, रिब्बा, तो इसको कहा जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क तो चंबा वैली को कहा जाता है, लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स तो ये भरमौर को कहा जाता है, शिवा भूमि भरमौर को, वैली ऑफ गोड्स कुल्लू वैली, लेक ऑफ द मून चंद्र लेक, और आगे लिखा है लेक ऑफ द सन सूरज ताल होगी, और लेक ऑफ डर्टी वाटर तो जो करेली को कहा जाता है, जो शिमला में है, लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन तो ये जो रेणुका है जो कि हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल लेक है, गुलमर्ग ऑफ हिमाचल खजियार को कहा जाता है, और रिवर ऑफ सौरव ये आपको याद रखना है, स्वान रिवर जो कि ऊना में है, ठीक है। आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड जो वो नाको लेक, और यहाँ पे और भी है नीचे नीचे डिस्कस करते हैं, अजंता ऑफ हिमालय, हाँ ये भी पूछा जा चुका है पहले, अजंता ऑफ हिमालय ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है, एलोरा किसको कहा जाता है, तो मसरूर रॉकर टेंपल जो कि कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें और मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट तो बारालाचा पास कोई, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फुटबॉल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश हो गया, पिच बॉल ऑफ एशिया तो ये जो राजगढ़ हो गया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो है सभी बातें याद रखनी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा भज्जुमल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहाड़ी भी लिखा है, ठीक है, सिर्फ फ्रंटियर गांधी नहीं लिखा है, पहाड़ी भी लिखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, खान अब्दुल गफर खान मिलेगा फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, ज़रा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा होगा, चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। आगे क्या, हु इन्वेंटेड कांगड़ा इन 1805, तो ये आपको सॉरी इन्वेंटेड नहीं इन्वेडेड लिखा है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी आधा ही दिख रहा है, 1805 की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संसार चंद ने अमर सिंह थापा, और संसार चंद तो अमर सिंह थापा जो इसका सही आंसर है क्योंकि आगे जो शायद इसके बारे में लिखा होगा कि संसार चंद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ पॉलिटिकल गुरु लिखा होगा, ठीक है, महात्मा गांधी, तो ये तो आपको पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो वो हमारे महात्मा गांधी के गुरु हैं। आगे लिखा है कि हु इज़ एट प्रेजेंट द चेयरमैन लिखा है, इसरो का चेयरमैन, ठीक है, प्रेजेंट में कौन है, तो के सिवन तो पहले थे, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है वो है एस सोमनाथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो वो काफ़ी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से आगे ही चलना चाहिए। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, तो पीटी उषा की जो बायोग्राफी है वो जो मेरे ख्याल से गोल्डन गर्ल है, चलिए देखते हैं जरा। तो जैसे ही आपने जो वो आप जो वो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया को जो वो गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जो वो यहाँ पे पीटी उषा का नाम जो दिखेगा, ठीक है, तो पीटी उषा का एक बहुत ही खतरनाक नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए आराम से। तो यहाँ पे 1964 में जो इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पे केरला से हैं, ठीक है, कुटेली, और इन्होंने जो सी हैज़ बोन सी 4 एशियन गोल्ड मेडल एंड 7 सिल्वर मेडल, ठीक है, और 6 जुलाई 2022 को जो वो नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, राज्यसभा के सांसद के रूप में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। अब यहाँ पे इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इनके करियर के बारे में जो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा 135 का गोल्डन गर्ल, ठीक है, इसको आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक तो आज के ये जो क्वेश्चन है वो जो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला में जो वो किसने लीड किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत कौर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में लिखा है यहाँ पे, तो ये जो वो चलिए इन क्वेश्चन को जो वो बाद में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो वो फेड हो चुका है, मतलब कि अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ तो ये तो आपको पता है कि हॉकी जो वो हमारा राष्ट्रीय खेल के रूप में जो वो जाना जाता है, तो बाकी क्वेश्चन जो वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनको जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू। एंड अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जैसे अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द फेमस डांस ऑफ द मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो हमारी मंडी की बात हो रही है, तो लुड्डी को जो वो मतलब कि फेमस डांस जो कहा जाता है हमारी मंडी में छोटी काशी। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।